Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, moving to the same topic of our chapter, that is digestion in human beings, and the chapter is nutrition in animals. So students, याद करें आप हमने पिछले बारे में सॉरी पिछले लेक्चर में हमने बात करी स्टमक के बारे में, इसमें क्या प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसेसेस उसमें होते हैं, कैसे क्या हो जाता है, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आज हम समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होती है, ठीक है ना। लेकिन ये स्टूडेंट्स आपको बात याद रखनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है पूरी तरीके से। कहाँ पे डाइजेशन हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाती है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा और याद भी रखिएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, यानी कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं वो सिंपलर सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो समझ लेते हैं क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हाईली कॉइल्ड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। आप स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, कॉइल शेप का। कॉइल है ना, आपको पता है ना कॉइल की शेप कैसे होती है, ठीक है ना। कॉइल शेप का होता है और कितना लॉन्ग होता है? 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियास। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या करता है कि लिवर, यानी आपको पता है लिवर क्या होता है, और पैनक्रियास जो होता है इससे क्या करता है, जो भी इसने सीक्रेट किया होता है। मैंने आपको स्टूडेंट्स, आपको अब याद दिला दीजिए, आप थोड़ा सा जोर दीजिए दिमाग पे, दैट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है लिवर पैनक्रियास क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं, जो कि किसमें हेल्प करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो अब जो सिक्रेशन लिवर और पैनक्रियास करता है वो कौन रिसीव करता है? यही स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिवर इज रेडिश ब्राउन लॉन्गेस्ट ग्लैंड। अब जो लिवर है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और लॉन्गेस्ट ग्लैंड बोलते हैं इसको, ये लॉन्गेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है ना। इट सिक्रेट्स बाइल जूस। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से मैं आपको बोल रही हूँ, लिवर और पैनक्रियास क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। अब जो लिवर है वो कौन सा जूस सीक्रेट करता है? कुछ तो नाम होगा। लिवर करता है बाइल जूस सीक्रेट, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? बाइल जूस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसको अंडरलाइन किया हुआ है, अच्छे से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। लिवर क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लेडर, जो कि कहाँ पे होता है? गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है, ठीक है। बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आप ये भी बोलेंगे, मैम आपने तो पढ़ाया दैट जो लिवर है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, तो ये भी आपने बोला जो वो तो क्या करते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ ना, जो बाइल जूस है जो कि लिवर सीक्रेट कर रहा है वो क्या किसमें हेल्प करता है? इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी फैट्स को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है। समझ आया? बाइल जूस किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स। पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स, अब जो पैनक्रियाटिक जूस है, अब बोलोगे मैम पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आ रहा है? तो स्टूडेंट्स, ये तो कॉमन सेंस है ना, पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आएगा? पैनक्रियास से ही आएगा। तो पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस आता है वो किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो याद रखना है आपको, बाइल जूस यानी जो लिवर सीक्रेट करता है उसको कौन, वो किस में हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स में। और पैनक्रियाटिक जूस जो है, जो कि पैनक्रियास सीक्रेट करता है, वो किस में हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन में। इधर बस सवाल उठ रहा है, आप खुद भी कंफ्यूज हो गए होंगे, मैम आपने तो बोला ये ब्यूकल कैविटी में जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो जाती है। स्टूडेंट्स, आप याद रखिए, मैंने आपको बोला स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। जो मैंने ब्यूकल कैविटी की बात करी थी ना, जिसे मैंने आपको बोला था कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो जाती है, मतलब वो सिंपलर सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है लेकिन 30%, पूरा नहीं, ठीक है ना, पूरा डाइजेशन नहीं होता है ब्यूकल कैविटी में, बस कुछ ही पोर्शन हो जाता है, 30% तक हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो जाती है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ आ गया? कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझ गए? वेरी गुड। तो अब जो इंटेस्टाइनल जूसेस, यानी जो इंटेस्टाइन जो होती है ना स्टूडेंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें, जो उसकी इंटरनल वॉल्स होते हैं, अंदर की जो वॉल्स होती है ना, वो क्या करती है? वो कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है ना। और फाइनली किसकी डाइजेशन हो जाती है? फैट्स की, किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन्स की, किसमें? अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की, किसमें? ग्लूकोज में। तो स्टूडेंट्स, फैट्स क्या थे? फैट्स कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस थे, जो किस में कन्वर्ट हो गए? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, यानी सिंपलर सबस्टेंसेज में। प्रोटीन्स की, किस में, वो किस में कन्वर्ट हो गए? अमीनो एसिड्स। प्रोटीन तो थे
कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस और अमीनो एसिड्स कहते हैं सिंपलर सबस्टेंस। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की किसमें डाइजेशन होगी, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट्स था कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस, ग्लूकोज है सिंपलर सबस्टेंसेस। समझ गए आप? तो कहाँ पे होगी कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस इधर ही नहीं रुक रहा है, इधर इसके आगे भी हमें इंशाल्लाह बहुत ज़रा पढ़ना है, ठीक है ना, इसमें आगे भी बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो हमें इंशाल्लाह कब समझना है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिलहाल आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, कौन सा जूस किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, ये आपको मेनली याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको याद रखना है। समझ गए? तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।